हैं, देखते हैं आज की खास खबर। फंस गई G36 असॉल्ट राइफल बनाने वाली कंपनी। 5 सेकंड में 30 राउंड फायर करने वाली जर्मनी की G36 असॉल्ट राइफल मेक्सिको तक कैसे पहुंची? मेक्सिको के बड़े हत्याकांड की यह जांच। जब जर्मनी तक पहुंची तो हथियार कंपनी और उसके दो कर्मचारियों की भूमिका नजर आने लगी। ड्रग्स तस्करी और हिंसा के प्रभावित मेक्सिको तक जर्मनी की करीब 4500 जी असॉल्ट राइफलें और मशीगनें पहुंची। हथियारों की इतनी बड़ी खेप की 2006 से 2009 के बीच सप्लाई हुई है। हथियारों का दाम 41 लाख यूरो था। जांच में पता चला है कि इन हथियारों का इस्तेमाल मेक्सिको के 6 छात्रों की हत्या में किया गया। शक है कि मेक्सिको में 2014 में 43 छात्रों की सामूहिक हत्या में भी इन्हीं असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन के साथ झड़प के बाद 26 सितंबर को छात्रों का समूह प्रदर्शन के लिए राजधानी मेक्सिको सिटी का रुख कर रहा था, लेकिन रास्ते में सारे छात्र गायब हो गए। बाद में पता चला कि छात्रों को पहले एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। नवंबर 2014 में मेक्सिको अटॉर्नी जनरल जेसुस काराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पोपुला नदी के पास इंसानी अवशेषों से भरे कई प्लास्टिक बैग मिले हैं। आशंका जताई गई कि ये अवशेष उन्हीं लापता छात्रों के थे। इस मामले में 80 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 44 पुलिस अधिकारी हैं। इन मामलों की जांच जर्मनी हथियार कंपनी हेकलर एंड कॉक तक पहुंची। कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों पर जर्मनी के वॉर वेपन कंट्रोल एक्ट और फॉरेन ट्रेड एक्ट का उल्लंघन करते हुए आरोप दर्ज कराया गया। सुनवाई के बाद जर्मन शहर स्टुटगार्ट की अदालत ने हेकलर एंड कॉक के दोनों पूर्व कर्मचारियों को जेल की निलंबित सजा सुनाई। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।